चलो बेटा, हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कुछ फिगर्स के बारे में। वो फिगर्स क्या है? 3D है, और 3D फिगर में सबसे पहले हमको बात करनी है स्फीयर के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? स्फीयर। ये है आपका स्फीयर। ये बना कैसे होगा? बात आई, ये बना कैसे होगा? देखो बेटा, सर्कल को जब देखो, ये सर्कल है, मान लो 2D में सर्कल है अपने पास। सर्कल को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है? तो जब सर्कल रिवॉल्व करेगा तो क्या बन जाएगा? वो एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। क्या बन, सॉरी हेमिस्फेयर बोल रहा हूँ, वो क्या बन जाएगा? स्फेयर बन जाएगा। समझ में आई बात? सर्कल, मान लो आपके पास सर्कल है, सर्कल को ऐसे मूव कर रहा हूं, तो फील करो वो रिवॉल्व करती हुई जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? स्फेयर कहलाएगा, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड स्फेयर की। सॉलिड स्फेयर मतलब बीच में कुछ एम्प्टी नहीं है। कंचे की गोलियां देख रहे हैं आपने, वो एकदम सॉलिड होती है ना, वो स्फेयर के एग्जाम्पल है। वो क्या है? स्फेयर का एग्जाम्पल है। ओके, मुझे इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है, मुझे इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है, मुझे इसके वॉल्यूम के बारे में बात करनी है, ठीक है? मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि इसकी रेडियस जो है वो क्या है, और कुछ भी नहीं पता रहता इसके बारे में, ठीक है? अगर कोई इसकी हाइट पूछ ले तुमसे, कोई हाइट इसकी पूछ ले आपसे, तो क्या होगा बेटा? सिंपल सी बात है, ऊपर भी आ, नीचे भी आ, यानी टोटल कितना हो जाएगी हाइट इसकी? इतने में कोई दिक्कत, ठीक है? कोई हाइट पूछ ले तो आप, ये हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, मैं अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? कर्व सरफेस एरिया की, तो वो क्या होता है बेटा? वो कर्व सरफेस होता है 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो ऐसे, 4 पाई आर स्क्वायर। यही होगा इसका क्या बेटा? कर्व सरफेस एरिया। यही क्या होगा इसका? कर्व सरफेस एरिया। मैं अगर टोटल सरफेस की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। टोटल सरफेस एरिया भी। तुमको ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए इसका टॉप भी नहीं है, इसका सभी सरफेस कर्व्ड है, क्लियर है? ओके, मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने बात करी है अभी किसकी? स्फीयर की। यही इसकी इंफॉर्मेशन है, इसे प्लीज आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट आउट। ओके, कॉपी इट। अब देखो, अगर मैं स्फीयर को हाफ काट दूं, मैं स्फीयर को क्या कर दूं? हाफ कट कर दूं। जैसे ही मैंने स्फीयर को हाफ कट किया, वैसे ही मुझे एक फिगर मिला। वो फिगर कैसा है? कुछ वो फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है? इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं तो ज्यादा आपको मजा आएगा। ये फिगर कुछ कैसा मिलेगा आपको? ऐसा मिलेगा। अब ये फिगर है क्या? मैंने क्या किया? स्फीयर को हाफ कट कर दिया, स्फीयर को हाफ कट कर दिया। अच्छा, मुझे एक चीज पता है कि यहाँ पे अभी भी हमें क्या मिली है? रेडियस। हमें अभी भी क्या मिली है? रेडियस। इस फिगर का नाम है हेमिस्फीयर। क्या नाम है? हेमिस्फीयर। ओके बेटा, मुझे हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है, मुझे हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है, इसी के वॉल्यूम के बारे में बात। सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग वॉल्यूम देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, उसको बीच से काट के अलग कर दिया, ठीक है? तो हमें मिला हेमिस्फीयर। अच्छा, मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, तुम बताओ, जो इस स्फीयर का वॉल्यूम था उसका हाफ ही तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा। यस या नो? सिंपल सी बात है, वहां पे वॉल्यूम जो था वो था 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, हो गया इसका वॉल्यूम। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया की बात करो, वहां पे जो कर्व सरफेस एरिया था वो क्या था? पाई आर स्क्वायर था। क्या था? पाई आर स्क्वायर, भाई सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर था। अच्छा, वहां पे 4 पाई आर स्क्वायर था, और यहां पे हमने क्या कर दिया? उसको हाफ कर दिया है, तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक छोटी चीज बताओ, टीएसए का फॉर्मूला मैंने तुमको हमेशा याद कराया है, टीएसए का फॉर्मूला हमेशा याद कराया है, CSA + area of top + area of bottom। अच्छा, इसमें बॉटम तो पॉइंट है, बॉटम तो क्या है? एक पॉइंट है। बट अगर मैं टॉप की बात करूं, किसकी बात करूं? टॉप की। तो टॉप एक सर्कुलर है कि नहीं? सर्कुलर लेमा है ना? अच्छा, इस सर्कुलर का एरिया क्या होगा? ये सर्कुलर है, सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर। यानी अगर मैं बात करूं इसके टीएससी की, तो
तो सी एस ए तो ऊपर से मिल जाएगा हमको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलके क्या बना देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, क्या बना देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, यानी आपको सी एस ए मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर जो स्क्वेयर का हाफ है, टी एस ए आपको निकालना आ गया, सिंपल सी बात है सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप, और वॉल्यूम अपने को भी निकालना आ गया, स्क्वेयर का क्या था आधा था, स्क्वेयर का क्या था, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, क्लियर है अच्छे से, इसको कॉपी करिए फिर मूव करते हैं आगे। यहाँ पे हेमी स्क्वेयर जरूर लिख लेना, चलो बेटा मूव करते हैं आगे। अब हम लोग ऐसे फिगर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, अगर इसमें बना हो तो, नहीं बना लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे। ये देखो बेटा अब की बार है क्या हमारे पास, बड़े ध्यान समझना तुमको, सर ये 2 क्यों बना दिया, 2 क्यों बना दिया बेटा, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपने हाथ से ही बना देता हूं। अच्छा देखो अब एक चीज समझो, ये जो येलो वाला पार्ट जो मैं डार्क कर रहा हूं ठीक है, अब आपके पास एक रबड़ वाली बॉल देखा आपने, रबड़ वाली बॉल, अच्छा रबड़ वाली बॉल को बीच से कट करो तो आपको दिखता है बीच में एम्प्टी स्पेस है, बीच में क्या है एम्प्टी स्पेस है, क्लियर होता है बेटा, बीच में एम्प्टी स्पेस आपको दिखती है, ओके बेटा बहुत अच्छी बात है। अच्छा वो जो एम्प्टी स्पेस होती है तो इसका मतलब वो स्फीयर तो है नहीं, क्योंकि स्फीयर पूरा सॉलिड होता है, तो वो क्या है, वो है आपका स्फेरिकल शेल, क्या है स्फेरिकल शेल, समझ में आई बात, इसमें 2 रेडियस होती है, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, कितनी रेडियस होती है 2 रेडियस होती है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अच्छा एक छोटी चीज और, मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम तुम लोग देख सकते हो क्या होगा, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले को माइनस कर दो क्योंकि उतना ही तो मटेरियल यूज हुआ है, बड़ा वॉल्यूम क्या है, बड़ा वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, छोटा वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे तो आएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा बेटा इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे एक छोटी सी बताओ, मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो उसके लिए कैपिटल आर यूज होगा, वही स्पेयर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि पेंट करेंगे अगर इसको तो सिंपल सी बात है कर्व में तो करना ही पड़ेगा, और कैपिटल आर यूज कर लो, स्फेरिकल वाला फॉर्मूला लगा लो ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो भी किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया के, इसका कर्व सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, पूछा तो नहीं जाएगा, मुझे निकालना है तो क्या होगा बेटा 4 पाई कैपिटल आर, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, क्लियर है इतना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर अब मैं इसको हाफ कर दूं, क्या कर दूं तब क्या होगा, आइए तब देखते हैं क्या होगा। मैंने इसको अब की बार क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ कर दिया तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा अपने को, कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की नीड है, देखो बेटा येलो वाला पार्ट जो है, जो येलो वाला है ये टॉप का हो गया येलो वाला, और ये बॉटम का हो गया ठीक, येलो वाला जो पार्ट है बस वही सॉलिड है, और बीच का पार्ट जो इसमें है वो क्या है बेटा एम्प्टी है, क्या है, सिंपल सी बात है मैंने स्फीयर को हाफ किया है, क्या क्या है सॉरी स्फीयर बोला, स्फेरिकल शेल को हाफ किया है, स्फेरिकल शेल को जब हाफ किया है हमने तो हमको यहाँ पे 2 रेडियस मिलेगी, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, क्लियर है बेटा। अच्छा वॉल्यूम तो बड़ा आसान है इसका, इसका वॉल्यूम तो बहुत आसान है, कैसे आसान है भाई, जो शेल का था उसका आधा कर दीजिए, जो स्फेरिकल शेल का था उसका आधा कर दीजिए। अच्छा इस फिगर का नाम क्या है, हेमी स्फेरिकल शेल, हेमी स्फेरिकल, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। अच्छा चलिए वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैसे मिला हमने समझिए, बाहर वाले सरफेस का निकाल लिया उसमें से अंदर वाले सरफेस का क्या कर दिया माइनस कर दिया वॉल्यूम, कोई दिक्कत परेशानी की बात, वॉल्यूम तो बड़ा आसान था। मैं इसके सी एस ए के बारे में बात करूं तो इसके 2 सी एस ए होंगे, इसके क्या होंगे 2 कर्व सरफेस एरिया होंगे, कौन कौन से, एक होगा इंटरनल एक होगा एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा इंटरनल क्या है भाई, स्मॉल आर यूज होगी इसमें, क्या यूज होगा स्मॉल। अच्छा एक छोटी चीज,
ये हेमिस्फेरिकल है, यानी यहाँ पे क्या होगा 2 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, ये हो गया CSA। अगर मैं TSA की बात करूं, TSA इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। TSA क्या होता है? CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, जैसे मैंने याद कराया था वैसे ही करना। अच्छा, CSA इसके दो यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 पाई स्मॉल R स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या होगा? तुम कहो सर टॉप कुछ ऐसा दिख रहा है, टॉप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यस या नो? है ना, सर्कुलर रिंग की तरह। इस तरह देखिएगा, रिंग की तरह। रिंग में दो रेडियस होती है, एक होती है कैपिटल आर, एक होती है स्मॉल आर। अच्छा, इस रिंग के एरिया की बात किया जाए तो आप लोग जानते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्या होता है बेटा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, यस या नो? यहाँ पे यही होगा एरिया ऑफ टॉप, यही होगा एरिया ऑफ टॉप, तो एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ बॉटम की बात करूं तो बॉटम तो एक पॉइंट है, पॉइंट एरिया तो निकालते नहीं अपने को। तो इस तरह से हमने क्या किया, हेमिस्फेरिकल शेल की वॉल्यूम को डिस्कस किया, कर्व सरफेस एरिया को डिस्कस किया और टोटल सरफेस एरिया को डिस्कस किया। नाउ प्लीज कॉपी इट। सर्कुलर रिंग बची है वो मैंने बता ही दिया, तो और कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? चलो बेटा, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इस पर क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है? एक्सरसाइज 17.3, सिर्फ 13 क्वेश्चन है, बड़े आराम से और जल्दी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम निकालना है। डायमीटर क्या दिया है? 2R देके रखा है, 21 सेंटीमीटर। बेटा R कितना निकल आएगा? 10.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात, इतना इजी है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अच्छा, है क्या ये स्फेयर है? तो एक्चुअल में स्फेयर का TSA और CSA दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो मुझे क्या निकालना है? CSA क्या होता है बेटा? 4 पाई R स्क्वायर। ओके, 4 पाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? मैं पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकता हूँ और 2R का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बात तो वही है, 22/7 × 2R क्या है? 21, यानी 21 × 21 कितने जाएगा बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 3 3 2 6 63 × 20। मल्टीप्लाई करिए बेटा, 3 2 6, ध्यान से 3 2 6, 3 2 6, 6 2 12, 18 का 8 1 कैरी, 6 2 12 1 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ये हो गया सरफेस एरिया। मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है बेटा वो होता है वॉल्यूम 4/3 πr³। ओके, 4/3 πr³, 4/3। एक काम कर सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ, पाई बाय थ्री अलग कर दूं, अच्छा नहीं कर सकता बेटा इसको, 4/3 π। r³ की वैल्यू क्या है बेटा? 21/2। सॉल्व करिए, 1 2 1 2 4 गया, 1 2 से गया 11 आया, 7 3 21 चला गया, 21 21 441 × 11, 11 1 11 का 1 1 कैरी, 44 1 45 का 5 4 कैरी, 44 और 4 48 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम। नाउ प्लीज